अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोवेलेंट सॉलिड। तो ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही एक टाइप है। तो हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करके हम कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब इसके अंदर ये किन पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो ये एटम से मिलकर बनता है। सिंपल एटम्स होते हैं या तो सेम एलिमेंट या फिर डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है जी, एटम्स जो है वो क्या होते हैं, सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो है वो आपस में अरेंज होते जाते हैं और वो क्या बना देते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स बना देते हैं। ठीक है जी, तो आगे हम देखते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के अंदर क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है जी, अब इसके अंदर क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जब कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई। ठीक है जी, और इसकी कंडक्टिविटी को अगर हम देखें तो ये कंडक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर ओवरऑल इसको हम देखें तो ये कंडक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन एक केस है जिसके अंदर ये कंडक्टिविटी कर सकते हैं, वो हम बाद में चल के देखते हैं कि कौन सा जो केस है वो कंडक्टिविटी कर सकता है। तो आगे हमारे पास सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी क्योंकि ये नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर जो है लाइक डिजॉल्व लाइक फार्मूले को आपने देखना है और उसके मुताबिक आपने देख लेना है कि ये किस में डिज़ोल्व हो सकता है। नॉन पोलर है तो डेफिनेटली सी बात है कि नॉन पोलर के अंदर ही डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है जी, उसके बाद हार्ड है या सॉफ्ट है, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो ये हार्ड हो गया डेफिनेटली। ठीक है जी, तो ये सारी तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अब अट्रैक्टिव फोर्स कोवेलेंट बाउंड होती है और इसके अलावा अब ये दो तरीके के जॉइंट स्ट्रक्चर बना सकता है। ठीक है जी, ये क्या बनाता है, थ्री डायमेंशनल जॉइंट स्ट्रक्चर बनाता है, जॉइंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, जॉइंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं अब दो तरीके के, उसने काफ़ी सारे होते हैं, अब दो का जिक्र किया है। एक तो हमारे पास डायमंड डायमंड और दूसरा उसने डिस्कस किया है ग्रेफाइट को। ठीक है जी, तो हम ग्रेफाइट को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम कंडक्टिविटी को भी देख लेंगे कि मोस्टली केसेस में क्या होता है, कंडक्टिविटी इसकी नहीं होती, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। सिर्फ एक केस जो ग्रेफाइट का है इसमें ही कंडक्टिविटी होती है। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर जो है वो कंडक्टिविटी क्यों होती है ये हम देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन जो है उसका, अब डायमंड जो है इसके अंदर चार जो इलेक्ट्रॉन है, चार कार्बन जो है, अब कार्बन के अंदर वैलेंस शेल में, फॉर कार्बन सॉरी कार्बन के अंदर अगर हम देखें तो कार्बन के अंदर चार इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस के अंदर। ठीक है जी, अब डायमंड के अंदर क्या होता है कि चार कार्बन ही इसको क्या कर सकते हैं, टेट्राहेड्रली बाउंड कर रखा होता है। ये टेट्राहेड्रली मैंने नहीं बताया, लेकिन टेट्राहेड्रली का चारों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्यूपाई है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है कि तीन जो इलेक्ट्रॉन है ना वो तो ऑक्यूपाई होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या होता है, अवेलेबल होता है। ठीक है जी, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें क्या होता है कि तीन तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है जी, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रहता है, फ्री रहता है। जो फ्री फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ना, क्या चीज़, फ्री फोर्थ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, फ्री फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, अब ये आसानी से मूव कर सकता है। जब आसानी से मूव कर सकता है इसीलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कास करेगा, इलेक्ट्रिसिटी इसकी वजह से गुजर सकती है। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। और दूसरी अगर बात अगर हम करें तो मैं आपको नोट्स में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एटम्स के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है ये इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। ठीक है जी, जैसे कि उसने शो कर रखा है ये बॉन्ड लेंथ कितनी है, 142 पिकोमीटर है। लेकिन अगर लेयर के दरमियान अगर हम बॉन्डिंग जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रही है उसके अंदर अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस है वो कितना है,
335, ठीक है जी, आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ, 335 है, ठीक है जी। और जो अगर हम देखें तो एटम्स के दरमियान है वो डिस्टेंस कम है, तो ये तो फ्री नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला फ्री होगा जो बिटवीन द लेयर्स है, और बिटवीन द लेयर होने की वजह से क्या होगा कि ये आसानी से मूव कर सकता है, ठीक है जी। तो इसी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर करंट गुजर सकता है, क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे हम लास्ट जो इसकी टाइप रहेगी है मेटेलिक सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।